कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोटा में लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई जा रही है। इसी को लेकर बसंत विहार और उसके आसपास के इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे में पुलिस ने इलाके में लगाए गए बैरिकेड हटा लिए हैं। वहीं संभागीय आयुक्त ने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की एक बैठक भी ली है, जिसमें थानेवार इलाकों को सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन को सोशल डिस्टेंस की जानकारी देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसी कोटा के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। कोटा में कोरोना पॉजिटिव का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद में दादाबाड़ी क्षेत्र को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। सारी जरूरत की सेवाएं बंद कर दी गई थी। कल 3 दिन पूरे होने के बाद में उस व्यवस्था को वापस खोला गया है, मगर कल देर रात संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक बैठक हुई और बैठक में एक निर्णय लिया गया कि थानावार जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी थानों को चिन्हित करके और उन सभी थानों को इलाकों को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। हम खड़े हैं कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में यहाँ पर DCM जो सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर है, श्री राम रेंस यहाँ पर है और यहाँ पर काफी मजदूर तबके के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इस तरह से जब जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ने इस मामले की पहल की तो सबसे पहला क्षेत्र जो लिया गया वो उद्योग नगर था और उद्योग नगर को लेने के पीछे कई कारण भी थे। आज यहाँ पर पूरे वार्ड को और पूरे उद्योग नगर थाना क्षेत्र के इलाके को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के जवान है, कोटा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। इस तरह से पूरे थानावार क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जाएगा, बारी बारी से इनको लिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा से।